वेलकम बैक दोस्तों, साइकेट्री में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग रहना इम्बॉस की बेसिक कमांड्स कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कौन सा प्लगइन्स है, और कैसे मतलब कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, ये रैनो गोल्ड के साथ अभी आता है, आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको खुद ही गूगल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल के ऊपर इसकी कोई जानकारी कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, या इसके लिए मैंने चैनल नहीं बनाया है। आपको प्लगइन्स के बारे में और भी इससे भी अलग अलग और हटके प्लगइन्स आपको मिलेंगे। कुछ टूल्स हैं जो मेरे हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे कैलकुलेशन वाली सीट दूँगा तो वो मैं आपको वो करूँगा, तो उसी हिसाब से आपको मतलब मेरे जो प्राइवेट टूल्स हैं या प्राइवेट जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं या जो फ्री हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत पूछिए कि मुझे कहाँ से मिलेगा और क्या होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आपको गाइडेंस चाहिए, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में कोई गाइडेंस नहीं दे सकता कि आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, क्रैक कैसा करना है, या इस तरह के सवाल प्लीज़ मत पूछिए। और चलिए कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं या जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर राइनो सीखना है आपको अच्छे तरीके से और नए नए ट्रिक्स जानने हैं तो, और अगर आपको राइनो आता भी है तो भी आपको नए नए ट्रिक्स मिलेंगे आपको, तो आपको एडवांस ही बनाने का काम मिलेगा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, राइनो इम्बॉस का मैंने यहाँ पे ले लिया है, और मैं अभी एक प्रोफाइल का मतलब ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं, और ऑपरेशन में आपको हमारा ब्रश और स्मूथ ये दो कमांड्स रही गई हैं जो बची हुई हैं, और उसके अंदर मैं आपको ब्रश वाली जो है आज बताता हूँ। तो उससे पहले मैं एक स्टैम्प वाली कमांड लूँगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप वो देख लीजिए जो वीडियो है इसका। तो मैं यहाँ पे 1 mm की हाइट लेता हूँ इसकी, और यहाँ से हम लोग स्टैम्प लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया, समझ लीजिए मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इसको और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे अभी मेरा बन चुका है। तो दोस्तों, ये अभी हमारा एक ज्योमेट्री बन चुकी है यहाँ पे। अब मुझे इसके अंदर और कुछ बनाना है या कुछ करना है, तो मैं एक ऑपरेशन और डालूँगा इसके अंदर। मैं यहाँ पे लूँगा ब्रश, ठीक है दोस्तों। ब्रश में मेरे जो पैरामीटर्स है, जो डायमीटर है, देखिए बड़ा है ना ये, इसको मैं 1 mm कर देता हूँ, तो ये हो गया थोड़ा छोटा। और थोड़ा छोटा करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना तो चाहिए। हाइट में 0.3 दे देता हूँ मैं, और ओके करता हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़ा है अभी भी, तो मैं इसको 0.5 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं अभी ये देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आपको अगर लग रहा है कि कोई ग्राइंड गलत हो गया, तो यहाँ पे देखिए अंडू का बटन है, यहाँ पे अंडू कर लीजिए। देखिए एक स्टेप, कंट्रोल जेड से नहीं होगा दोस्तों। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, मुझे इसको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जैसा भी बना हुआ है काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। बस एक आपको इस टूल की जानकारी देनी है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, तो हाइट यहाँ से आप कम कर सकते हो। यहाँ से 0.3 है हाइट, तो 0.15 कर देते हैं, 50% ऐड कर देते हैं, और ओके कर देता हूँ मैं। तो अभी देखते हैं हाइट कितनी बड़ी आ रही है। यस, अभी ये जो जितनी चाहिए थी उतनी हाइट आ रही है इसकी। देखिए माउस का कर्सर कहीं और है मेरा, और रेड का जो मार्क है वो कहीं और है, तो जहाँ पे रेड मार्क है वहीं पे ही आएगा। तो ध्यान रखिए, आप 3D में जब रोटेट करोगे तो आप मतलब टॉप से परफेक्टली लोगे तो आपका वो दिखाएगा, तो आप उसका ध्यान रखिए कि रेड मार्क होगा वहीं पर ही आएगा। अंडू करना है मुझे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अभी इतना इनफ है मुझे लग रहा है, तो कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे कहीं से सब्ट्रैक करना है,
तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये हो चुका है, मेरा ज्योमेट्री बन चुकी है। अगर आपको उल्टा करना है, मतलब कहीं पे काटना है, या जैसे मतलब डेप्थ दिखानी है, तो आप यहाँ से एक नया ऑपरेशन डाल देते हैं, और यहाँ पे ब्रश लेके यहाँ पर आपको ऐड की जगह सब्ट्रैक करना है, वही जो डायमेंशन दिए मैंने, ये मैं देता हूँ 0.25 का देता हूँ मैं, ताकि बहुत पतला सा आएगा और नहीं है। और मैं जैसे यहाँ पर डेप्थ दे देता हूँ, देखिए डेप्थ आ गई है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ चाहिए, ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी कम कर देते हैं, 0.1 की कर देते हैं। तो पॉइंट वन की कर देता हूँ मैं, ओके। और इस तरीके से मैं चीज को ओप्स। इस तरीके से मैं बना सकते हैं हम लोग, या मतलब डेप्थ कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। याद रखिए जहाँ पे रेड मार्क है वहीं पर ही आएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब ओके करना है, यहाँ पे ग्रीन बटन को क्लिक करके रेड करना है और रिफ्रेश करना है, और उसके बाद मेरा जो है वो बन गया है। काफ़ी बड़ी डेप्थ आई है इसकी, तो अभी ये जो चीज़ है, नेक्स्ट टूल में हम लोग बताऊँगा कि इसको किस तरीके से मतलब स्मूथ करते हैं, मतलब नेक्स्ट टूल है इसके अंदर हम लोग स्मूथ कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसके बाद में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जिसके अंदर जो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे इसी के बेस के ऊपर। तो दोस्तों देखते रहिए साइकिल थेडिया, बाय।